इंदौर में बढ़ते कोरोना केस को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम सख्त नजर आ रहा है, तो वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर निगम द्वारा लगातार शहर के प्रमुख बाजारों में मास्क को लेकर स्पॉट फाइंग की कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में शहर में कई प्रतिष्ठित शॉप और दुकानों को सील करने की कार्यवाही भी की जा चुकी है। शनिवार को नगर निगम की टीम एबी रोड पर स्थित शॉपिंग मॉल, बिग बाजार, सेंट्रल मॉल, ट्रेजर शॉपिंग मॉल में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लेकर स्पॉट फाइंग की कार्यवाही की गई। इस दौरान हालांकि अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल स्पॉट फाइंग की कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि मॉल में भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होने के चलते संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। कार्यवाही के बाद नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो मॉल को सील करने की भी कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर कार्रवाई की गई सर, आज सेंट्रल मॉल और ट्रेजर आइलैंड में कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और विदाउट मास्क वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक के 3 से 4 चालान बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी ये कार्रवाई चालू है। और कुछ दुकान मार्केट में देखा गया है कि बहुत से लोग बिना मास्क के नजर आए, तो क्या यहाँ पर सीधी की कार्रवाई की जाएगी? सर, अगर यहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है तो यहाँ पर सील की कार्रवाई भी की जाएगी। हमें आगे की कार्रवाई शाम तक के जारी है, देखते हैं अभी और कितनी कार्रवाई कर। सर देखिए, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का है तो उसमें 5,000-10,000 जो भी एक अमाउंट होता है उसके क्राउड के हिसाब से, जैसे 2 जने 3 जने अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाए जाते तो 5,000-10,000 रुपये भी हो, और अगर ये चालानी कार्रवाई नहीं कराते तो इनकी दुकानें सील कर दी जाएगी। प्रतीक भिंडोरिया, प्रभारी 11, जोन 11। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।